एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू Adda247 ऑनलाइन स्कूल और हम कर रहे हैं पॉलीनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अभी देखिए एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए आपको उनको फैक्टराइज करना है। पहले पार्ट की बात करते हैं, आपको दिया गया है 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी फॉर्मेट आपको कुछ ही दिख रही है। अगर आप मैं 9x² की बात करूं, सो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 3x का होल स्क्वायर हो गया। अगर मैं y स्क्वायर की बात करूं, तो ये y का स्क्वायर है ही। अगर मैं 6xy की बात करूं, तो क्या हो जाता है, 2 × 3x × y, ठीक। अब देखिए ये क्या बन गया, ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर बन गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले पार्ट पर चलते हैं, 4y² − 4y + 1, ठीक है। देखिए वापस से वही है, अगर मैं 4 की बात करूं, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और y स्क्वायर किसका है, y का स्क्वायर। सो ये हो गया 2y² + 1 की बात करते हैं, सो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, 2 × 2y × 1। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x² + y² − 2xy, क्या हो गया, ये हो गया आपका 2y − 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपने। थर्ड पार्ट की बात करें, x² − y² / 100, ठीक है। ये x² − y² है, या फिर a² − b² की फॉर्मेट भी लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको ऐसे कहूँ x² − y/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x + y/10 x − y/10, ठीक है। a + b × a − b या x + y × x − y, क्या हो जाता है आपका, x² − y²।